ये सावन है कि मेरे मुल्क का कानून है कोई, ये सावन है कि मेरे मुल्क का कानून है कोई, कहीं आजिज कहीं ये कहर के पैकर में रहता है। ये देखो ये मेरे तजर्बे जिंदगी के उस जमाने के, यहाँ से कोरंगी से मैं जब ड्यूटी पे जाता था बसों में, तो ये आखिरी स्टॉप था, इसलिए यहाँ गाड़ी भरी हुई आती थी। अच्छा, उस जमाने में। हाँ, और एक छोटी सी सड़क होती थी कोरंगी की, एक्सीडेंट आम होते थे, लोग तो एक गेट पे 5-5, 10-10, 20-20 आदमी लटके होते। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना मुश्किल दौर से गुजरे। हाँ, तो उस पर उसकी कैफे लिखी कि क्या गुजरती है कयामत नातवासी जान पर, क्या गुजरती है कयामत नातवासी जान पर, देख तू करके सफर इस बस के पायदान पर। हाय 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 हाय, वाह 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 जी। हो, एक पांव टिका होता था, आधा लटका हुआ है, एक लटका हुआ है, और जब ये क्रॉसिंग से वो टर्न लेती थी ना, तो यूं लगता था जैसे हम जमीन से लग जाएंगे, इतनी वो लगी हुई होती थी बस। नहीं लगी। लो, वाह जी वाह। हाँ हाँ, ये एक लड़का, ये इंडिया से आया हुआ था, वो मरा यहाँ, हमारा ही लोग था, दर्जी का काम करने लग गया था सगर में। आप लीजिए बिल। हैं? आप लीजिए वाली। नहीं नहीं, उधर दो रहा। आप लीजिए ना, उसको दो ना, वो ले लेगा ना। आप नहीं नहीं, आप तो नहीं, आप लीजिए प्लीज। ओह, समझे गए। तो वो उसका ऐसे ही हाथ फिसल गया बेचारे बच्चे का। अच्छा। हाँ, अकेले माँ बेटे आए थे, माँ अकेली रह गई, फोत हो गया। हाँ वो तो भाई उसी वक्त के, तो उसको ये देखो कि क्या गुजरती है कयामत नातवासी जान पर, देख तू करके सफर इस बस के पायदान पर। क्या बात है। तो मैं यहाँ से पालिश वालिश करके जूतों की वो लाता था, तो उसका बस से उतरते वक्त जो हाल होता था, जो हाल होता था। हाँ, तो स्त्री कपड़ों की पॉलिश, बूट की अपना भरम, स्त्री कपड़ों की पॉलिश, बूट की अपना भरम, कैसे कोई ध्यान रखे इस कदर सामान पर। वाह 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 वाह। और वो कि उफ, किसी का हाथ फिसला, छूट गई बस वो गिरा, ख्वाब सब कुचले गए ताखिर के हैजान पर। क्या बात है। अल्लाह अकबर। तो ये उस जमाने की अपनी पोजीशन के, मैं अपनी पहली ही तनख्वाह पर, मैं अपनी पहली ही तनख्वाह पे तोहफा नया दूंगा। वाह, मैं अपनी पहली ही तनख्वाह पे तोहफा नया दूंगा, मेरा वादा है, अपनी हैसियत से कुछ सवा दूंगा। वाह जी वाह, क्या कहने। निछावर मुफ्त के तुम पर किए हैं चांद तारे भी, निछावर मुफ्त के तुम पर किए हैं चांद तारे भी, चांद तुम्हारे सदके, तारे तुम्हारे। हाँ, मुफ्त के ही है ना, के निछावर मुफ्त के तुम पर किए हैं चांद तारे भी, मगर अब जेब में जो कुछ भी होगा वो लुटा दूंगा। क्या बात है जी, वाह जी वाह। अच्छा, इसीलिए मैंने आपने इस किताब का नाम रखा है ख्वाब देखते रहे। वाह जी वाह, ये वो ख्वाब है ना मेरे। ये शायर साहब की नज़्म का एक मिसरा मैंने लिया कि मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर, ये वो ताजमहल से मना करते हैं कि आमत मिलाकर ये बादशाहों की जगह, ये हमारा क्या काम यहाँ। सही। तो मैंने ये उसके जवाब में ली। अच्छा जी वाह, कि वो तो वहाँ मिलता था, हमारी मुलाकात होती थी सीढ़ियों में, जब पुराने ज़माने की कराची की रिहाइश थी ना, खारा दर मीठा दर के जी जी, लकड़ियों की सीढ़ियाँ, लकड़ियों की सीढ़ियाँ। हाँ, आज भी हैं। हाँ वही है, है। उन वो बिल्डिंगें भी हैं। तो बारह मैंने ये सोचा है किसी दिन कह दूँ
मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। वाह, बारहा मैंने ये सोचा है किसी दिन कह दूं मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। इन खिजा खुर्दा से जीनों के घुटन उफ तोबा, सांस लेने में ये नादीदा चुभन उफ तोबा। जीरो का बल्ब है रोशन के बुझा रहता है, जीरो का बल्ब है रोशन के बुझा रहता है, दिल में खदशात का तूफान बपा रहता है। क्या बात है, गर्द आलूदा गुजरगाहों में मिलना कैसा, गुंचाए दिल का ये खिलना है भी है खिलना कैसा। देख सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, हम आया सूरत जज्बात नहीं कर सकते। क्या बात है, बारह मैंने ये सोचा है किसी दिन कह दूं, अब यहाँ से टर्न हुआ है मेरी महबूब, मुझे ये भी ख्याल आता है कि पांच तारों से सरफराज किसी होटल में हम मुलाकात का इम्कान कहाँ रखते हैं। यानी मिलेंगे तो किसी फाइव स्टार में कहाँ मिल सकते, कहाँ मिल सकते पांच तारों से। बारह मैंने ये सोचा है किसी दिन कह दूं मेरी महबूब, मुझे ये भी ख्याल आता है पांच तारों से सरफराज किसी होटल में हम मुलाकात का इम्कान कहाँ रखते हैं। अपनी बस्ती में नहीं ताज महल बारा दरी, रावी जमुना के शिबिस्तान कहाँ रखते हैं। क्या बात है, वाह वाह, मेरी महबूब मुझे ये भी ख्याल आता है कितने लोगों को मुलाकात मयसर है, यूं यूं भी कितनों को है, ये हम भी बड़े के नसीबों वाले हैं। कितने लोगों को मुलाकात मयसर है यूं, कितने लोगों को मोहब्बत में बहम कलियां हैं, कितने लोगों ने यूं जीनों की झलक देखी है, कितनी नज़रों में मचलती हुई ये गलियां हैं। मेरे महबूब मुझे ये भी ख्याल आता है बारहा मैंने ये सोचा है किसी दिन का। क्या बात है, वाह वाह वाह। और एक दो शेर आपको जो परदेश के हवाले से के बड़ा मज़ा आ रहा है जी। हाँ हाँ, और इस वक्त जो हमेशा होता है लाइट नहीं है लेकिन मज़ा इतना आ रहा है, हाँ जी, कि गर्मी का एहसास नहीं हो पा रहा है। Okay. जो शायरी ये सब सुना रहे हैं वफा साहब, ख्वाब देखते रहना, तो मैं भी ख्वाब देख रहा हूँ कि पता नहीं कब ये लाइट का सिस्टम, सड़कों का सिस्टम होगा, क्योंकि वही वाला दौर दोबारा शुरू हो गया है। वफा परदेसियों की जिंदगी का हाल मत पूछो, वफा परदेसियों की जिंदगी का हाल मत पूछो, हाल मत पूछो, मत पूछो, कहानी गम की रहने दो, खुशी का हाल मत पूछो, वफा परदेसियों की जिंदगी का हाल मत पूछो। यहाँ अशिया की फिर भी कुछ ना कुछ कीमत है, हस्ती है, यहाँ अशिया की फिर भी कुछ ना कुछ कीमत है, हस्ती है, मगर ये आदमी उफ आदमी का हाल मत पूछो। हाय हाय हाय, और क्या, एक बरस में 30 दिन होते हैं घर के नाम बस, एक बरस में 30 दिन होते हैं घर के नाम। अच्छा, एक साल में सिर्फ एक महीना ही होता है। हाँ, एक महीना मिलता है ना छुट्टी का। जी जी, एक बरस में 30 दिन होते हैं घर के नाम बस, जिंदगी परदेश में कर दी है जर के नाम बस। हाय 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 हाय, एक तस्वीरों का एल्बम, चंद जोड़े कुछ खतूत, एक तस्वीरों का एल्बम, चंद जोड़े और कुछ खतूत, एक मुसाफिर कल गया डेरे के करके नाम बस। हाँ हाँ हाँ, ये छोड़ के चला गया, कुछ वहाँ डेरे होते हैं। हाँ, डेरे जहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वाह जी वाह। तो ये सामान उसका बचा है कि एक एक तस्वीरों का एल्बम जिसमें उसके बच्चों का भी इनकी देखता रहता था, एक तस्वीरों का एल्बम, चंद जोड़े उसके दो चार जोड़े पहनने के, और कुछ खतूत, एक मुसाफिर कर गया डेरे के करके नाम बस। वसल की गुलजार शब, गुर्बत के शबनम बेज दिन, लिख दिए हैं रेग जारे शोला घर के नाम बस। क्या बात है, ऐ मेरी मेहनत के बेमसरफ शरर, डर है कि मैं अपना तेशा ही न कर जाऊं पिसर के नाम बस। क्या बात है, एक ज़रा फुर्सत मिले मुझको फ़राइज़ से वफा,
फिर तो एक पल एक फिर तो हर एक पल करूंगा अपने घर के नाम बस। क्या बात है। तो ये गीत मेरे इनमें सब में अलग अलग मौजू अलग अलग जी जनाब। हाँ। आप मौका मिले गुलाम अली वफा साहब की जो मजमुआ है उनको जरूर पढ़िएगा, सब में आपको अलग। हाँ जी, जिसे अभी हमने पढ़ा भी। हाँ तो आप देखते रहना, उससे पहले हमने पढ़ा। हाँ जी तेरे। हाँ जी लब से क्या हजरत से लब बेहतर है, वो मुख्तलिफ अंदाजे।